हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारे जो नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज होंगे वो अगेन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पर होंगे। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, बट मैं सारी की सारी स्टेट्स कवर नहीं कर पाया था उन एमसीक्यूज में, क्लियर। सो हमारी जो बची हुई स्टेट्स हैं जिनके मुझे फेस्टिवल्स और डिस्कस करने हैं आपके साथ, वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ करूँगा, क्लियर। और अगेन 10 एमसीक्यूज हैं, बट सबसे पहले आपने मुझे जो है 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरेली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। हरेली फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, मतलब कौन सी स्टेट में वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है लुसोंग फेस्टिवल इज़ ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। अगेन आपने बताना है कि लुसोंग फेस्टिवल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है। और थर्ड है मेला खीर भवानी फेस्टिवल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, क्लियर। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि बंगाला फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बंगाला फेस्टिवल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, क्लियर। तो ऑप्शंस हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इसका जो आंसर है वो है मेघालय, क्लियर। बंगाला फेस्टिवल जो है वो मेघालय का फेस्टिवल है। मैं आपको बता दूं कि मेघालय में ऐसे तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट 4 जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो बंगाला फेस्टिवल है, एक है वेदन कलाम फेस्टिवल है, एक है नोंग क्रैम डांस फेस्टिवल, क्लियर। और एक है शटशुक मेंसियम फेस्टिवल, क्लियर। हाँ, थोड़े जो नाम है इनके वो प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक है वेदन कलाम फेस्टिवल, दूसरा है हमारा नोंगक्रैम डांस फेस्टिवल, तीसरा है बंगाला और चौथा है शटशुक म्यानस्याम, क्लियर। तो ये जो 4 फेस्टिवल्स हैं ये मेघालय के फेस्टिवल्स हैं, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है चापचारकुट इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। चापचारकुट कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है। तो ऑप्शन अगेन क्या क्या आपको दिए हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसका जो आंसर होगा वो है मिजोरम, क्लियर। चापचारकुट जो है वो फेस्टिवल है मिजोरम का। देखो एक है चापचारकुट, एक है मिमकुट, एक है पॉलकुट, क्लियर। ये तीनों जिनके पीछे कुट वर्ड यूज हुआ है ये मिजोरम के फेस्टिवल्स हैं, क्लियर। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, चापचारकुट है, मिमकुट है और पॉलकुट है, क्लियर। और जो कुटपुई एक ये भी फेस्टिवल है, जो कुटपुई ये भी फेस्टिवल जो है ये मिजोरम का है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, क्लियर। मिजोरम के 4 फेस्टिवल जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस्टिवल और फेयर ऑफ नागालैंड। आपको बताना है कि नागालैंड का कौन सा इनमें से फेस्टिवल या फेयर नहीं है। तो जैसे कि नोंगक्रैम, देखो ऑप्शन पहला है नोंगक्रैम। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो मेघालय है, मेघालय का एक फेस्टिवल है वेदन कलाम और नोंगक्रैम, क्लियर। तो नोंगक्रैम जो है वो मेघालय का फेस्टिवल है, ना कि नागालैंड का फेस्टिवल है। तो इसका जो आंसर होगा वो नोंगक्रैम होगा। और अगर मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करूं तो हॉर्नबिल जो है बहुत फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का। मतलब हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, सो आंसर वुड बी अगेन नागालैंड। नगाड़ा फेस्टिवल है और हैगा फेस्टिवल है, क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है और एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, बट जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का फेस्टिवल है, क्लियर। तो ये बात बहुत सारे बच्चे इससे इन दोनों टर्म से रिलेटेड कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो याद रखना हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का फेस्टिवल है, बट पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। और ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने हैं। सो नागालैंड के कौन कौन से फेस्टिवल हैं, एक तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, क्लियर, एक है नगाड़ा फेस्टिवल, एक हैगा फेस्टिवल और एक और है ओलिंग फेस्टिवल, क्लियर। ओलिंग AOLING ओलिंग फेस्टिवल भी किसका फेस्टिवल है, नागालैंड का ही फेस्टिवल है, क्लियर। और जो ये नोंगक्रैम है, नोंगक्रैम जो है मेघालय का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाली यात्रा फेस्टिवल। भाली यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि भाली यात्रा फेस्टिवल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यूपी और ओडिशा, क्लियर। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है। तो मैं आपको बता दूं भाली यात्रा फेस्टिवल जो है ये ओडिशा का फेस्टिवल है, क्लियर, ओडिशा का फेस्टिवल है। देखो ओडिशा के फेस्टिवल्स याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि जिन फेस्टिवल्स के पीछे यात्रा वर्ड यूज हुआ होता है, क्लियर, मैक्सिमम वो फेस्टिवल्स ओडिशा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे जैसे
आपने ये भाली यात्रा फेस्टिवल सुना होगा, जगन्नाथ रथ यात्रा सुना होगा, ठकुरानी यात्रा सुना होगा, धनु यात्रा सुना होगा, बहुदा यात्रा सुना होगा, क्लियर। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल जो हैं ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल भी उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये याद रखने में आसानी होगी, क्लियर। याद रखना है कि जिन फेस्टिवल्स में यात्रा वर्ड का यूज़ हुआ होता है, क्लियर, वो मैक्सिमम ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाते हैं। उनके एक बार नाम दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लियर। एक है जगन्नाथ रथ यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुदा यात्रा है, ठकुरानी यात्रा है, क्लियर, भाली यात्रा है, और हमारा नुआखाई फेस्टिवल है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है? तो ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो है हरियाणा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरियाणा का बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हरियाणा का, क्लियर। सो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा में लगता है, क्लियर, हरियाणा में लगता है। और मैं आपको बता दूं हरियाणा में एक पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल है। एक है कार्तिक फेयर, एक है गुग्गा नवमी, क्लियर। तो चार फेस्टिवल आपको हरियाणा के याद रखने हैं, एक है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, दूसरा है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, तीसरा है कार्तिक फेयर, और चौथा है गुग्गा नवमी, क्लियर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, क्लियर। और आपने मुझे साथ में कमेंट सेक्शन में बताना कि काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आई रिपीट, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका भी आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस्टिवल और फेयर ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान का इनमें से कौन सा फेयर या फेस्टिवल नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है कार्तिक फेयर, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा में चार फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, मेनली उनमें से एक फेस्टिवल है कार्तिक फेयर, क्लियर क्लियर, उनमें से एक है कार्तिक फेयर। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में कार्तिक फेयर नहीं सेलिब्रेट किया जाता क्योंकि ये हरियाणा में किया जाता है। तो अब राजस्थान में कौन कौन से किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं गंगोर फेस्टिवल है, क्लियर, पुष्कर फेयर है, क्लियर। पुष्कर फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान में, बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पे, यहाँ पे जो ऊंट होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं पुष्कर मेले में, क्लियर। मेन अट्रैक्शन तो ऊंटों की होती है इस मेले में। बानेश्वर है, बानेश्वर फेयर है, उर्स फेयर है, क्लियर। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्लियर। तो ये आपको याद रखने हैं। एलिफेंट फेस्टिवल भी है जो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये महाराष्ट्र में एक एलिफेंटा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, और एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा पोंगल, पोंगल इज़ ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। पोंगल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? तो मैं आपको बता दूँ पोंगल तो सबको पता होगा तमिलनाडु का है यार, क्लियर। पोंगल तो बहुत फेमस फेस्टिवल है तमिलनाडु का, तो पोंगल जो है फेस्टिवल है तमिलनाडु का। अब नेक्स्ट है बट्टूकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, क्लियर। तो आपको बताना है बट्टूकम्मा फेस्टिवल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, तो इसका जो आंसर होगा वो है तेलंगाना, क्लियर। इसका जो आंसर होगा वो है तेलंगाना, तो बट्टूकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में साथ में ये भी बताएंगे कि तेलंगाना के और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, क्लियर, तेलंगाना के और कौन से फेस्टिवल्स हैं, और साथ में तमिलनाडु के भी दो फेस्टिवल्स और बताएंगे, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेयर और फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपको बताना है कि इनमें से वेस्ट बंगाल का, क्लियर, कौन सा फेयर या फेस्टिवल नहीं है? तो ऑप्शंस हैं भाई फोटा, क्लियर, दुर्गा पूजा। आपको दुर्गा पूजा तो बहुत फेमस है, ये तो वेस्ट बंगाल में ही है, क्लियर। बाकी ऑप्शंस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पोइला बैशाख, ठीक है, पोइला बैशाख ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोइला बैशाख, इसकी प्रोनंसिएशन में भी ऐसे ही होगी, क्लियर, बैशाख। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बंगालियों का न्यू ईयर है, क्लियर, बंगालियों का न्यू ईयर है। मैंने आपको बहुत सारे न्यू ईयर बताए हैं अलग अलग स्टेट्स के, जैसे असम के लोगों का जो न्यू ईयर होता है उसको बोलते हैं रोंगाली, क्लियर, केरला के लोगों को, जो केरला के लोगों का न्यू ईयर होता है उसको बोलते हैं विशु फेस्टिवल, क्लियर, और हमारा महाराष्ट्र के लोगों का जो होता है उसको गुड़ी पड़वा बोलते हैं। सिमिलर जो वेस्ट बंगाली बंगाली लोगों का जो न्यू ईयर होता है वो उसको बोलते हैं पोइला बैशाख, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल में नहीं सेलिब्रेट किया जाता, ये खर्ची पूजा जो है ये त्रिपुरा में होता है, क्लियर, त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो खर्ची पूजा होगा, बट ये पोइला वो शाख जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही रखना है, क्लियर। और ये जो नेक्स्ट 10th 11th 12th क्वेश्चन है ये तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि हरेली इज ए फेस्टिवल ऑफ स्टेट, तो हरेली कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है ये आपने मुझे बताना है। लूसुंग कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, और मेला खीर भवानी ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, और आपने मुझे साथ में बताना है कि तमिलनाडु के दो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, क्लियर क्लियर। और आपको तेलंगाना का फेस्टिवल भी मुझे बताना है, क्लियर। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।